हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आपका अपना चैनल साहिल एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करते हैं क्लास 10th का साइंस, इसमें या बायोलॉजी है और इसका 6ठा चैप्टर है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग शुरू करें। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? प्राकृतिक संसाधन वह नहीं है और यह क्वेश्चन 2015 में भी पूछा गया है। इसका ऑप्शन है वायु, मृदा, जल, जीवधारी। तो इसका सही आंसर है डी, जीवधारी। दूसरा क्वेश्चन है, यूरो टू का संबंध है, यूरो टू का संबंध है यानी किससे संबंध है? आपका ऑप्शन है वायु प्रदूषण से, जल प्रदूषण से, मृदा प्रदूषण से, कोई नहीं। यह क्वेश्चन 2015 में बोर्ड के द्वारा पूछा गया है और इसका सही आंसर है ए, वायु प्रदूषण से। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? यह क्वेश्चन 2014 में पूछा गया है। आपका ऑप्शन है नदी, कुआं, तालाब, समुद्र। इसका सही आंसर है बी, कुआं। कुआं जो है आपका सही ऑप्शन है। चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? यह क्वेश्चन 2014 और 2020 में पूछा गया है। आपका ऑप्शन है केंचुआ, मछली, शेर, बकरी। उभयलिंगी, देखिए उभयलिंगी के बारे में पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर है ए, केंचुआ। पांचवा क्वेश्चन है, कॉलीफॉर्म यानी कॉलीफॉर्म क्या है? आपका ऑप्शन है वायरस है, जीवाणु है, कवक है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी, जीवाणु है। छठा क्वेश्चन है, स्वच्छ जल का पीएच होता है यानी स्वच्छ जल का पीएच मान कितना होता है? आपका ऑप्शन है 7, 7, फिर 7 है 0। इसका सही आंसर होगा ए, 7 होता है। स्वच्छ जल का पीएच मान 7 होता है। सातवां क्वेश्चन है, पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को, 5 जून को, 17 नवंबर को, 1 मई को। इसका सही आंसर है बी, 5 जून को। आठवां क्वेश्चन है, गंगा कार्य योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? आपका ऑप्शन है 1980 में, 1985 में, 1990 में, 1995 में। इसका सही आंसर है बी, 1985 में। नौवां क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ? आपका ऑप्शन है 1970 में, 1980 में, 1985 में, 1990 में। इसका सही आंसर है ए, 1970 में। दसवां क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर निर्मित हुआ? आपका ऑप्शन है यमुना, गंगा, नर्मदा, ताप्ती। इसका सही आंसर है सी, नर्मदा। 11 नंबर का क्वेश्चन है, साल वृक्षों के वन का लगभग 1272 हेक्टेयर क्षेत्र ग्रामीणों द्वारा बहुत बुरी तरह से निम्नीकृत होने से बचाया गया, यानी वह कहां पर बचाया गया? आपका ऑप्शन है मिदनापुर में, गढ़वाल में, टिहरी गांव में, इटारसी में। इसका सही आंसर है ए, मिदनापुर में। 12 नंबर का क्वेश्चन है,
वनों के संरक्षण के लिए निम्न में से किन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता है? आपका ऑप्शन है पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, अतिचारण, खनन, ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी। 13 नंबर का क्वेश्चन है, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं कहलाते हैं, यानी वह क्या कहलाता है? आपका ऑप्शन है जैव निम्नीकरणीय, अजैविक कारक, अक्रिय, पर्यावरण। तो इसका सही आंसर है ए, जैव निम्नीकरणीय। 14 नंबर का क्वेश्चन है, पर्यावरण को बचाने के लिए तीन प्रकार के आर का प्रयोग किया जाता है, वे हैं, वह क्या है? यानी रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज, रिपीट, रिवर्स, रिसाइकल, रिपीट, रिसोर्ट, रीस्टोर। देखिए 3R जो होता है वह होता है रिड्यूज, रिसाइकिल, रीयूज, यानी आपका ऑप्शन ए सही है। 15 नंबर का क्वेश्चन है, जैव विविधता के विशिष्ट स्थल क्या कहलाते हैं? यह क्वेश्चन 2019 में पूछा हुआ है। आपका ऑप्शन है जंगल, वन, जंतु, दावा। इसका सही आंसर है बी, वन। 16 नंबर क्वेश्चन है, अमृता देवी बिश्नोई का संबंध किस वृक्ष के संरक्षण से है? आपका ऑप्शन है खेजरी, आम, जामुन, पीपल। तो इसका सही आंसर है ए, खेजरी। 17 नंबर का क्वेश्चन है, प्राकृतिक जल मार्ग पर जो डैम कंक्रीट अथवा छोटे कंकड़ से बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन है डैम, चेक डैम, बांध, प्रपात। इसका सही आंसर है बी, चेक डैम। 18 नंबर का क्वेश्चन है, कोयला तथा पेट्रोलियम परंपरागत ईंधन है जो किसके परिवर्तन के कारण उत्पन्न हुए हैं? आपका ऑप्शन है केवल प्राणियों के मृत शरीरों द्वारा, केवल वनस्पतियों के मृत शरीरों द्वारा, सागरी प्राणियों के मृत शरीरों द्वारा, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है डी, उपरोक्त सभी। 19 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राकृतिक संसाधन कौन है? यानी ये जो चार ऑप्शन आपको दिया गया है इसमें प्राकृतिक संसाधन कौन है? मृदा, जल, वन, ये सभी। देखिए मृदा यानी मिट्टी यह प्राकृतिक संसाधन है, जल भी प्राकृतिक संसाधन है, वन यानी जंगल भी प्राकृतिक संसाधन है, इसलिए आपका सही आंसर है डी, ये सभी। 20वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित संसाधनों में से किन्हें संपोषित रूप में से उपयोग करने की आवश्यकता है? कोयला, पेट्रोलियम, वन, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबा दें जिससे कि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।